तो नवरात्र के पावन पर्व में आज आठवां दिन है और आठवें दिन माँ महागौरी की आराधना का दिन है। माँ महागौरी की उपासना से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्र के पर्व में अष्टमी तिथि का खास महत्व माना जाता है। इस दिन लोग कन्या पूजन करते हैं, उपवास खोलते हैं। अष्टमी पर कन्या पूजन से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। माँ महागौरी करेंगी भक्तों का कल्याण। यश कीर्ति और समृद्धि से जीवन बनेगा खुशहाल। नवरात्रि के पावन पर्व में आठवें दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है। माँ की चार भुजाएं हैं और वो बैल की सवारी करती है। माँ महागौरी की उपासना से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्र में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। अष्टमी तिथि 15 अप्रैल दोपहर 12:11 से लेकर 16 अप्रैल दोपहर 1:23 तक है। उदया तिथि के अनुसार 16 अप्रैल को ही महाअष्टमी मनाई जाएगी। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 11:55 से दोपहर 12:47 तक है। अष्टमी पर कन्या पूजन से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। रोगों और दोषों से छुटकारा मिलता है। सभी कार्यों में सफलता मिलती है और परिवार में कभी धन की कमी नहीं महसूस होती। कन्या पूजन के लिए सभी कन्याओं को घर पर आमंत्रित करें। जल से पैर धोकर उनके चरण स्पर्श करें। कलाई पर मौली बांधकर उनका तिलक करें। हलवा पूरी का प्रसाद तैयार करें। कन्याओं को प्रेम से भोजन करवाएं, उन्हें उपहार दें और उनके पैर छुएं। पूरी आस्था और विधि विधान के साथ अष्टमी की तिथि पर माँ महागौरी की उपासना करने वाले भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, मंदिरों में कैसी है रौनक, ये दिखाने के लिए हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली के कालकाजी मंदिर, जहां से हमारी संवाददाता नीतू झा ने जायजा लिया। देखिए, नवरात्रि का आठवां दिन है आज और आज अष्टमी को महागौरी की पूजा की जाती है। इस वक्त मैं दिल्ली के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ कालकाजी मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ आपको तस्वीरों में ही नजर आ रहा होगा कि किस तरह से मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। अष्टमी का खास महत्व भी होता है क्योंकि जिन लोगों की कुलदेवी माँ कालका मंदिर है वो अष्टमी पूजन करते हैं। ऐसे में आज के दिन ही कन्या पूजन भी किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर मंदिर के कपाट नवरात्रों में बंद नहीं होते, यानी आप कभी भी आकर माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। वहीं अगर मैं भक्तों की बात करूं तो यहाँ भक्तों का सैलाब कुछ इस तरह उमड़ा हुआ है कि शायद आप तस्वीरों में भी उसे देख पा रहे हैं। अब हम आपको मंदिर के बाहर लेकर चलते हैं। अभी हमने आपको गर्भगृह के दर्शन करवा दिए हैं। वहीं अगर अष्टमी और नवमी की बात की जाए तो यहाँ पर हर साल चाहे चैत्र नवरात्रि हो या दूसरे नवरात्रि हो, दोनों ही वक्त जो भक्तों का सैलाब होता है कुछ ठीक इसी तरह उमड़ता है। बहुत बढ़िया दर्शन हुए। अष्टमी का तो खास महत्व भी है, कुछ मांगा? कुछ भी नहीं मांगा, दर्शन हो गए, यही बहुत है। कन्या पूजन किया आप लोगों ने? हाँ जी। कालका मंदिर हम देखते हैं अमूमन लोग अपने छोटे बच्चों को लेके आते हैं माता से आशीर्वाद। हाँ हाँ हाँ, इसकी वो सर की लटूरी उतरती है यहाँ पे कालका मंदिर पे, तो इसलिए लाए है इसको। कितने महीने के? ये 3 महीने का है। छोटे बच्चों को भी लोग लेकर लोग मंदिर पहुंचते हैं, भीड़ बहुत है, बावजूद इसके माँ को लेके जो श्रद्धा और आस्था है श्रद्धालुओं के मन में वो बिल्कुल कम नहीं होती। आज सुबह 2 बजे से ही माँ के दर्शन शुरू हो जाते हैं। ये अष्टमी की खास पूजा होती है और अब माँ का कन्या पूजन हो चुका है। माँ अब अपनी बहनों के साथ घूमने निकलती हैं, यानी अब अष्टमी और नवमी को माँ के दर्शन नहीं होंगे। कपाट 24 घंटे खुले रहेंगे, 24 घंटे आप कभी भी आइए। ये बताइए, आप लोग तो पुजारी परिवार से हैं, पूरे दिन माँ का व्रत करना, पूजा अर्चना करना और श्रद्धालुओं की संख्या में देख रही हूँ बढ़ रही है, थकान होती है? नहीं, माँ के दरबार में कोई थकान नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। किस तरह से पूजा अर्चना होती है? कहते कालका मंदिर यहाँ दिल्ली NCR के लोगों की कुलदेवी भी। बहुत बड़ी मान्यता है, दिल्ली NCR की सबसे बड़ी मान्यता है और एक
ऐसा मंदिर है ये जो ग्रैंड में भी खुलता है, कालका माई का दरबार, जो ग्रैंड में भी सुरक्षा रहता है। अच्छा, कहते हैं माता कन्या पूजन के बाद अपनी बहनों के साथ घूमने भी निकलते हैं? घूमने निकलते हैं कहीं वैष्णो देवी है, माता पे या कहीं भी घूमने निकलते हैं फैमिली, बहनों के साथ, बच्चों के साथ। तो देखिए माता भी कन्या पूजन के बाद घूमने निकली है, ये मान्यता है इस मंदिर की। कालका मंदिर यहाँ बहुत सारे लोगों की कुलदेवी भी है और इस मंदिर की मान्यता ये भी है कि इसकी जोत लेकर लोग अपने घर पहुंचते हैं। तो अष्टमी की ये तस्वीरें हैं जो बहुत पावन और बहुत सुखद है, और यही तस्वीरें नवमी की भी होती है। और किसी भी दिन आप मंदिर पहुंचे तो आपको श्रद्धालुओं के मन में यही आस्था नजर आएगी, आपको श्रद्धालुओं के मन में माता के लिए और भगवान के लिए यही भाव नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़।